हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग काफ़ी सही होंगे, काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए इन योर कॉलेज लाइफ जो आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, जो आपके टोटल वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इन योर कॉलेज जर्नी। तो इन स्किल्स को अगर आप सीख लेते हैं इन योर कॉलेज ओनली, जैसे मैंने भी इन चीज़ों को सीखने की पूरी कोशिश की है अपने कॉलेज टाइम में, एंड मैंने काफ़ी सीनियर से भी सुना है, काफ़ी अपने एल्डर से भी सुना है कि इन चीज़ों को अगर आप कॉलेज में सीख लेते हैं तो आपकी जो आगे चल के लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कॉलेज में जो आपकी लाइफ बनती है ना, आपकी मेजॉरिटी जो आगे चल के लाइफ होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो वैसी ही रहेगी। तो इस टाइम में अपने आप को अच्छे से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चैनल पे मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डालता हूँ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कभी कभार व्लॉग्स एंड पॉडकास्ट भी डालता रहता हूँ, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं। साथ में आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशंस भी करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू चेक आउट द चैनल, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस इस वीडियो को आप लाइक कर दो एंड आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली जो स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे आप मेरे ही कॉलेज में आ रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी आपकी क्लासेस लगेंगी जिस क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। हर सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट होगा सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स टाइप का, लेकिन वो तो बस एक सब्जेक्ट है, वो आप सब्जेक्ट की तरफ पढ़ोगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखने के लिए। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए कम्युनिकेशन में। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, बिलीव मी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जितने लोगों से बात कर सकते हो, जितने भी लोगों से आप या तो फेस टू फेस बात करो या फिर इंस्टाग्राम पे बात करो, किसी भी जगह पे बात करो, आप जितने लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उतने ज़्यादा लोगों से ट्राई करो बात करने का। सिर्फ कुछ भी बात कर सकते हो लेकिन बात करो। इसके बाद जैसे हमें मालूम है ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, हम सबको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बाकी लोगों से एक अच्छे एज पे होते हो, क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हर जगह आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ट्राई करो आप कुछ लोगों से या फिर कभी कभार इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का ट्राई करो, अपनी इंग्लिश को अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट है, जिन भी लोगों से आप मिलोगे, जिन भी लोगों से आप बातें करोगे या फिर दोस्ती बनाओगे, उनसे अच्छा कांटेक्ट बना के रखो। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोगों से जिनको आपको लगता है कि इनसे आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में, उनसे नेटवर्क बनाओ, क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाओगे, जितने ज़्यादा लोगों से नेटवर्क बनाओगे, उतनी आपकी लाइफ में वो लोग काम आएंगे कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो नेटवर्क इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट। अपने आपको ऐसा बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी करो कि लोग आपको सुन सकें। लाइक जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो यूट्यूब वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना, तब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक थी। अब मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी एनहेंस हो गई पिछले 3-4 महीनों में, क्योंकि मैं रेगुलरली यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ एंड लोग मेरी वीडियोज़ थोड़ी बहुत देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर इम्प्रूव हुई है। और ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लोग आपको सुने। कभी भी आपको कुछ बोल रहे हो तो हाँ, लोगों को लगे कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है, भले सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, लेकिन कुछ बोल रहा है और इस तरीके से बोल रहा है कि हाँ भाई, इसको 10 बंदे भी कम से कम सुन सके खड़े होके। जितने ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ आपको बोलने का मौका मिले या फिर किसी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, उन सारे कॉम्पिटिशन्स या फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। अगला जो चीज़ है जो आपको स्किल सीखना है कॉलेज में आके, वो है परस्यू एनी हॉबी। वॉट एवर यू लव, यू हैव टू परस्यू दोज थिंग्स इन योर कॉलेज लाइफ। बाद में आपको मौका मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कॉलेज में अगर आप कोई चीज़ परस्यू करते हो एज अ हॉबी, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे सकता है। लाइक कभी कभार आप अपने कोर्स का ही पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो उस टाइम पर अगर आप एक अच्छी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो, तो अगर आप वो थोड़े टाइम के लिए करने लग जाते हो, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने मेन काम से डिस्ट्रैक्ट होकर उन चीज़ों में लग जाते हो, उससे आपका
क्रिएटिव माइंड कंटिन्यू रहता है काम करने के लिए, आप बोर नहीं होते, आपका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छा और ज़्यादा डेवलप होता है, अनप्रोडक्टिव नहीं होते हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हो ना, बहुत सारे टाइप की आप हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो, जो भी आपको करने का मन है, गिटार बजाने का मन है गिटार बजाओ, क्रिकेट खेलने का मन है क्रिकेट खेलो, आपको सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालने का मन है वो डालो, आपको यूट्यूब करने का मन है आप यूट्यूब कर सकते हो, आपको कुछ भी करना है आप कुछ ना कुछ एक हॉबी परस्यू करो, बाद में वो हॉबी आपको आप अगर अच्छा आपने कर लिया, अच्छे से आपने सीख लिया उसको, तो आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो आगे चल के, आपका एक साइड इनकम बन जाएगा इन फ्यूचर। अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ अभी, तो यूट्यूब के साथ साथ अगर मेरा चैनल ग्रो हो जाता है, अच्छा खासा मेरा सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, और बना दो यार प्लीज़ क्या जा रहा है, थोड़ी बहुत सब्सक्राइब कर दो आप, बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आगे चल के मेरा YouTube एक साइड इनकम हो सकता है, अभी मैंने साइड इनकम के लिए इसको स्टार्ट नहीं किया था, अभी मैंने इसको सिर्फ नेटवर्क बनाने के लिए स्टार्ट किया था YouTube को, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट किया था, और मुझे पसंद है कंटेंट क्रिएशन, मुझे लगा था पसंद आ सकता है, और मैंने एक महीना ट्राई किया, मुझे लगा हाँ ये गेम मैं खेल सकता हूँ लंबे टाइम तक, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू किया, मुझे मज़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, आने वाले कुछ टाइम में भी मोनेटाइज नहीं होने वाला चैनल, मुझे मालूम है उतने अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं उस पर कंसिस्टेंटली काम करता रहूँगा तो मिल सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ एक हॉबी परस्यू करो जिससे आप आगे चल के उसको मोनेटाइज कर सकते हो। जो अगली पॉइंट है वो है कि आपको पर्सनल फाइनेंस सीखना है कॉलेज में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो पर्सनल फाइनेंस में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट्स के तरीके सीख सकते हो, किस किस चीज़ों में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इन फ्यूचर, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, कौन कौन से टाइप के बेकार हैं, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, जो आप एक इस टाइप की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आपकी जो गोल्स हैं जो आपको लाइफ में अचीव करना है, फाइनेंशियली जो अचीव करना है, उसके बेसिस पे आप एक प्लानिंग कर सकते हो बेसिक, कि मैं क्या क्या लाइफ में करूँ, कैसे कैसे मैं अपने फाइनेंसिस को मैनेज करूँ, कैसे कैसे कहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कि मैं अपने उस पॉइंट ऑफ लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर पाऊँ जो मैंने फाइनेंशियली प्लान किए हैं। अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, तो उसमें आपने कबीर को देखा होगा जिसने सोचा था कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँगा, थोड़ा बहुत मैं पैसे उसमें बनाऊँगा, और 40 के होते होते मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, उसके बाद जो लाइफ में मन करेगा मैं करने का वो सब मैं करूँगा, लाइफ को एंजॉय करूँगा। तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं, मेरे भी कुछ ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। कॉलेज ख़त्म होते ही काफ़ी सारे लोग अर्निंग शुरू कर देते हैं, तो अर्निंग स्टार्ट करने के टाइम पे आपको आइडिया नहीं होता कि आपको कहाँ पे अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, तो उसके लिए कॉलेज में आप पर्सनल फाइनेंस सीखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप कैसे सीखते हो पर्सनल फाइनेंस पे? बेसिकली पर्सनल फाइनेंस आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो, जैसे एक तन्मय भट्ट ने एक चैनल बनाया ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट, उसमें 10 वीडियोज़ हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, वो आप वीडियो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे ना 10 वीडियो का, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाँ आपको कैसे पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना है, और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, अभी कॉलेज में आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसको मैनेज करना सीख जाओ, उसको मैनेज करोगे अच्छे से तो आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको फ्यूचर में अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है। और हाँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले उस चीज़ को अच्छे से सीख लेना, बिना सीखे उस चीज़ में मत घुसना, पहले उसको अच्छे से सीख लो, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट का गेम कैसा चलता है, उसके बाद ही उस चीज़ में घुसना, क्योंकि अगर आपके पैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डूबने लग जाए तो आप वो चीज़ छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको मालूम है कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट तो आप वो चीज़ कंटिन्यू रखोगे। अगला जो पॉइंट है जो आपको सीखना है कॉलेज में आके, वो है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे सीख सकते हो आप ये चीज़? आप किसी भी इवेंट को जाके मैनेज कर सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जाके आप मैनेजिंग टीम में जाके थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत टीम को लीड करना या फिर एक पूरे इवेंट को लीड करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे अगर मैं करूँगा तो मैं कुछ चीज़ों को लीड कर सकता हूँ, और इन फ्यूचर अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो या फिर किसी भी चीज़ में जाते हो, तो अगर आपको एक लीडर बनना है, अगर आपको कुछ चीज़ों को बॉस बनना है, अगर आपको कुछ चीज़ों को अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, जो आप कॉलेज में डेवलप करो तो अच्छी बात है। लीडरशिप स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट ही लेवल पे बूस्ट कर देते हैं। स्कूल टाइम में मेरे को ज़्यादा नहीं था इसका लीडरशिप स्किल्स का आइडिया, लेकिन अब कॉलेज में मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे चीज़ों को लीड कर सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो। अगला जो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कॉलेज में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, वो है नेवर एवर स्टॉप लर्निंग।
इसका मतलब लर्निंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करना है, उसको लर्निंग मैं बिल्कुल नहीं मानता। लर्निंग वो चीज़ होती है जो पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है तो आपको वो चीज़ करना चाहिए, आपको वो चीज़ सीखना चाहिए, उससे लर्निंग बोलते हैं। भी आपको सीखने का मन है चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपके कोर्स से बहुत कोसों दूर वो चीज़ हो सकती है, अगर आपको सीखने का मन कर रहा है तो उसे सीखो। और कॉलेज के बाद बिल्कुल भी लर्निंग स्टॉप नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम थिंग, यू हैव टू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज उससे ही ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं आज तक और उससे ही आप आने वाले टाइम में इवॉल्व हो सकते हो। एक स्टडी बोलती है कि मेजॉरिटी लोग अपने एजुकेशन ईयर्स के बाद लर्निंग छोड़ देते हैं, वो वही चीज़ में रह जाते हैं और उनका ग्रोथ रुक जाता है वहाँ पे आके। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम तक लर्निंग कंटिन्यू रखोगे तो आपका ग्रोथ एक मैसिव लेवल पे होगा लाइफ टाइम में। क्या क्या चीज़ों से अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ है ध्यान रखो कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है यार, आपके दुनिया में आपके आसपास चीज़ें हो क्या रही हैं, पॉलिटिकली क्या हो रही हैं, इकोनॉमिकली क्या हो रही हैं, ग्लोबली क्या हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इनडेप्थ घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। उसके लिए आप कोई भी ग्लोबल न्यूज़ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आपको एक आइडिया लाना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। उसके अलावा आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे नॉन फिक्शन बुक्स रखे हुए हैं, तो आप कोई भी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो एंड रेगुलरली पढ़ना चाहिए नॉन फिक्शन बुक्स। आपको उससे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का आइडिया लगता है। आप कितने भी यूट्यूब वीडियोज़ देख लोगे ना, एक अच्छी नॉन फिक्शन बुक 100 YouTube वीडियोस के बराबर होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छी नॉन फिक्शन बुक्स की बात कर रहा हूँ, सारी नहीं। उसके अलावा आप अच्छे वेब सीरीज़ देख सकते हो, अच्छी मूवीज़ देख सकते हो और अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। हॉटस्टार पे, नेट जियो पे, डिस्कवरी प्लस पे काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। वेब सीरीज़ आप किसी भी टाइप की वेब सीरीज़ देख सकते हो, इवन अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स देखते हो तो भी आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिलते हैं लीडरशिप के। आप टॉमी शेल्बी से सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेब सीरीज से आप बहुत सारे नॉलेज ले सकते हो। मैं बहुत सारे वेब सीरीज एंड मूवीज़ देखता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ दोज थिंग्स, तो मेरे को लगता है उससे भी आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल लर्निंग मिलती है। सिर्फ अच्छे मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा। उसके अलावा आप अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में या फिर ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करें। आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हो, आप कोई नए जो दुनिया में कुछ चीज़ एक्सप्लोर हुई है उसके बारे में सीख रहे हो, किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, एक प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, तो वो सारे टाइप की यूट्यूब वीडियोस देखना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत आप कॉमेडी वीडियोस या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हो आज भी तो फेसबुक पे भी या फिर यूट्यूब पे, इन सारी चीज़ों पे आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो और उनसे डेली बेसिस पे सीख सकते हो। जैसे मेरे कुछ फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जिनसे मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मेरे फेवरेट नहीं है, कुछ हैं 4-5, उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ डेली बेसिस पे एंड उनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो बस यही साल होते हैं आपके कॉलेज के कुछ साल जिसमें आप पर्सनैलिटी अपनी ग्रो कर सकते हो, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो, प्रोफेशनली जो आप करना चाहते हो वो भी सीख सकते हो, प्रोफेशनली के अलावा भी आप जो अदर स्किल्स हैं वो भी सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उन चीज़ों को भी सीखो क्योंकि कॉलेज में जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आएगी ना, वो उसका एक मेजर पॉइंट आपके पूरे लाइफ टाइम तक आपके साथ चलने वाला है। तो बस यही सब था आपकी आज की वीडियो में। इस टाइप के और वीडियोस देखने या फिर जो भी टॉपिक के वीडियोस देखने हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जाकर चेकआउट कर लो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और अच्छे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।